आज अलीगढ़ में स्थित ला चीफ रेस्टोरेंट के अंदर छात्र युवा संघर्ष समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे और लखनऊ छात्र युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष ऋषियांत कटियान ने ली। आगामी 3 जनवरी 2021 को अलीगढ़ मंडल के अंदर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन छात्र संघर्ष समिति करने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। यह सम्मेलन बेरोजगार और शिक्षा को लेकर होगा, जिसकी जगह बहुत जल्द निर्धारित कर दी जाएगी। इस समीक्षा बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष कामिल खान, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ परवेज अली खान, महानगर अध्यक्ष नदीम अंजुम और लोकेश तिवारी मौजूद रहे। बैठक का आयोजन गौरव शर्मा जिला अध्यक्ष छात्र संघर्ष समिति द्वारा किया गया। आने वाले 3 जनवरी 2021 को आम आदमी पार्टी की तरफ से अलीगढ़ मंडल के अंदर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी समीक्षा के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वंशराज दुबे जी की यहाँ समीक्षा बैठक है, और इसी विस्तार के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। 3 तारीख को हमारा जो सम्मेलन होने जा रहा है और बहुत बड़ा सम्मेलन है हमारा रोजगार और शिक्षा को लेकर। जो हमारा कार्यक्रम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो 3 जनवरी को छात्र सम्मेलन की घोषणा करने हमारे प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी आए हुए हैं, और ये उसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज 3 जनवरी को लेकर 3 तारीख को प्रोग्राम किया जा रहा है, बेरोजगारी और ये आपके बढ़ते अपराध, महामारी, बढ़ते रेप, इन सब की, इन सभी को लेकर हम लोग एक जागरूकता फैलाएंगे। जो मंडल स्तर पर ये प्रोग्राम हो रहा है, 4 जिलों से छात्र यहाँ पर शामिल होंगे, जो युवा भी शामिल होंगे, तो हम ये ऐलान करेंगे, ये जागरूकता फैलाएंगे। योगी सरकार ने 4 साल में केवल तानाशाही करी है, तानाशाही के अलावा कुछ नहीं करा। हम जागरूकता फैलाएंगे, एक आंदोलन छेड़ेंगे जिसमें 2022 में इनको सत्ता से निकाल के फेंकना है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के गांव गांव गली गली घूमकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा कि हम 90 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सारी सरकारी खाली पद हैं उन पदों का भरने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2017 से लेकर 2020 तक आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। परीक्षा फॉर्म के नाम पर हजारों करोड़ रुपए नौजवानों से वसूल लिए गए, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश का नौजवान आदित्यनाथ जी से अपनी नौकरियों को लेकर गुहार लगाता है, छात्र अपनी स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लखनऊ की सड़कों पर लाठियां चलवाई जाती हैं, उनकी मां बहन की गालियां दी जाती हैं। तो ये जो तमाम घटनाएं हैं, अलग अलग भर्तियों में जो नौजवान आज संघर्ष कर रहा है, उन तमाम मसलों को लेकर आज अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग सीवाईएसएस की एक बैठक है, जिसमें हमारे जो छात्र संगठन है, जिसने पिछले 23 नवंबर को लखनऊ में जो एक छात्र युवा महासम्मेलन किया था, अब उसको आम आदमी पार्टी की छात्र विंग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, उसी के संबंध में एक बैठक है, और आने वाले 3 जनवरी 2021 को अलीगढ़ में एक महासम्मेलन होगा छात्रों और नौजवानों के मुद्दों को लेकर। सर जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर कहीं इसका कुछ दिखाई नहीं देता, प्रदेश के अंदर दोबारा आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव के लिए प्रचार करेगी? नहीं देखिए, 2013 से पहले जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में उतरी थी तो हमारा दिल्ली में कोई जनाधार नहीं था, लेकिन जो आज आम इंसान की जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जब आम आदमी पार्टी ने उस पर काम किया पहले 49 दिन की सरकार में, तो वहां की जनता ने हमको 3 बार मौका दिया और 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाई। तो आज जो जरूरतें, जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, आज क्या उत्तर प्रदेश की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को बस की यात्रा मुफ्त नहीं चाहिए? क्या यहाँ के जो अस्पताल जिसमें आज कुत्ते लाश नोचते हैं, जिसमें अगर कुत्ता काट ले तो उसका इंजेक्शन नहीं मिलता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो वो सब व्यवस्थाएं जो बर्बाद पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की, उसको दुरुस्त करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, और उसी मॉडल को, दिल्ली मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश की गली गली